गड़ाकोटा परिक्षेत्र में संचालित महिला स्व सहायता समूह के संचालकों और रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर गड़ाकोटा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि स्कूलों में मिड डे मील देने का काम विगत 10 सालों से कर रहे हैं। सागर कलेक्टर द्वारा पिछले दिनों एक दैनिक समाचार पत्र में निविदा देकर यह काम एक कंपनी को देने का आदेश दिया है, जिसमें मशीनीकृत किचन शेड व्यवस्था लागू करने का आदेश है, जिसके चलते सागर जिले की हजारों गरीब, विधवा और मजदूर वर्ग की महिलाओं पर, जो इन स्व सहायता समूह के माध्यम से अपनी आजीविका चलाती हैं, काम बंद होने के बाद महिलाओं को अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम सभी महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और विगत 10 वर्षों से ये मध्याह्न भोजन चलाने का कार्य कर रही हैं। तो अभी इस बीच सागर जिले में ये आदेश आया है कि स्व सहायता समूह एकीकृत किया जाए, मशीनीकृत। ये मशीनीकृत होने से हम सभी लोगों की रोजी रोटी में असर पड़ेगा। इससे हजारों परिवार जुड़ी हुई हैं, हजारों गरीब परिवार जुड़ी हुई हैं, महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं। इसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। इसलिए आए कि मशीन आ रही तो हमारे मशीन से नहीं बना खाता, बेरोजगार रही है, हमारा कोई धंधा नहीं, हमारे बच्चा किया था जहाँ देकर खाना बना दो, हमारे भाई और बना चाहे बहुत साल से बना रहे हो। गड़ाकोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज़।